ये है यूपी के फतेहपुर का ललौकी गांव। कोविड ने कैसे इस गांव में कहर मचाया, दास्तान सुनेंगे तो सिहर जाएंगे। सिर्फ कोविड से इस गांव में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गांव में शायद ही कोई रिश्तेदार बचा हो जिसने किसी अपने को खोया ना हो। करीब करीब हर खानदान में मातम है। मरने वालों में ज्यादातर वो लोग हैं जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। गांव की रिपोर्ट कहती है एक एक खानदान में 4 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ पे डॉक्टर लोग कभी कभार आते हैं और आते हैं तो सही से देखते भी नहीं हैं, और बस एक ही नब्ज पकड़ते ऐसे करके, फिर उनका इलाहाबाद के लखनऊ कहाँ से उनका टंप करते हैं वहाँ से भी देखते हैं, जो वो बोलते हैं वही सबसे यहाँ दवा देते हैं, और एक दवा एक टेबलेट दे दिया या तो कोई सिरप दे दिया, बस हो गए इतना ही देते हैं। उसके बाद तो भर्ती करते हैं, इमरजेंसी भर्ती कहाँ करेंगे, अस्पताल ही बंद पड़ा हुआ है, इतना बड़ा ताला लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा ताला लगा हुआ है। वैक्सीन जो लग रही कोरोना का आजकल यहाँ लगती है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। और कोरोना की जांच कुछ नहीं हो रहा है यहाँ, जब कुछ होएगा तो बोलेंगे ना, जब कुछ है ही नहीं है तो क्या होगा। अभी तो ये खुला है, सिर्फ 8 बजे खुलता है, 8 से 2 तक चलता है सर। ऑनलाइन डॉक्टर देखते हैं लैपटॉप के थ्रू, और बाकी वो दवा लिख देते हैं मैसेज से, वो आप ले लीजिए, बाकी और कुछ सुविधाएं नहीं है यहाँ। स्टाफ होते हैं यहाँ दो स्टाफ, एक दवा देने वाला और एक लैपटॉप से बात कराने वाला। समस्याएं ज्यादा हैं, सरकार की ओर से जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं देनी जानी चाहिए वो बिल्कुल इस गांव में नहीं है। कारण यही है कि बुखार आया है और लोग समझ नहीं पाए, और ये लोकल इलाज करवाते रहे लेकिन ऑक्सीजन की कमी रही है। ललौकी गांव जिले का सबसे बड़े आबादी वाला गांव है। ग्राम सभा में 10 से ज्यादा कब्रिस्तान है जहां इन लाशों को दफनाया गया है। कहा जा रहा है कि अगर मौतों का सिलसिला यही रहा तो यहां जगहों की कमी पड़ सकती है। ग्राम सभा में अतिरिक्त प्राथमिक केंद्र है जहां अक्सर ताला पड़ा रहता है। हॉस्पिटल में 2 ही हेल्थ कर्मचारी हैं, वो भी ऑनलाइन देखभाल करते हैं। गांव वालों का कहना है कि पंचायत चुनाव से पहले एक बार वैक्सीन कार्यक्रम चला था, लेकिन मौजूदा वक्त में जब कोरोना पीक पर है तब कोई सुविधा नहीं है। ग्राम सभा में 50,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। गांव वालों का कहना है कि ट्रैक टेस्ट ट्रीट कोई भी व्यवस्था इस गांव तक नहीं है। CHC PHC की सेवाएं 10 किलोमीटर से भी दूरी पर है। इमरजेंसी में मरीजों को फतेहपुर बांदा या कानपुर ले जाना पड़ता है। हॉस्पिटल लेके जाते थे, हॉस्पिटल में कोई भर्ती नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल फतेहपुर कानपुर बांदा वहाँ कोई भर्ती नहीं करते थे। नजदीक में कुछ नहीं है, नजदीक में कोई हॉस्पिटल नहीं, यही प्राथमिक केंद्र है, इसमें कोई कुछ सुविधा ही नहीं है। कल से खत्म हो गए हैं, मेरे चाचा खुद मेरे यानी सामने खत्म हुए हैं। मैं ऑक्सीजन चेंज करते करते ऑक्सीजन खराश हो गया था, उसके बाद दूसरे सिलेंडर से रिफिल कर रहा था तो उसमें उतनी टाइम वो अटैक उठाया और खत्म हो गए। मिंडारा प्रयागराज सिर्फ फतेहपुर जिले के गांवों में हालत खराब नहीं है, बल्कि प्रयागराज के दूसरे गांवों में भी कोरोना ने कहर मचा रखा है। यह प्रयागराज का मिंडारा गांव। इस गांव में अप्रैल महीने से अब तक लगभग 50 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। गांव में जबरदस्त दहशत है। कुछ जागरूक नागरिकों ने कोविड-19 प्रतिरोधक टीका लगवा लिया है, लेकिन अधिकांश